दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करेंगे UPSRTC रिक्रूटमेंट के बारे में। 12वीं पास कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। 2900 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें निकली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों सबसे पहले आप इसकी वैकेंसीज की जानकारी यहाँ से देख सकते हो। अलग अलग क्षेत्र में वैकेंसीज निकली है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पर निकली है और साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग और लास्ट डेट भी यहाँ पर दी गई है अप्लाई करने की। फॉर्म भरने में किसी समस्या हेतु संपर्क नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है 9554003967 प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक और ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है। इस ईमेल आईडी पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डाक या कोरियर या किसी अन्य माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगी। स्काउट गाइड अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। सबसे पहले वाराणसी के लिए टोटल 111 वैकेंसीज निकली है, हरदोई के लिए 54 है, मुरादाबाद के लिए 187 वैकेंसीज है, बरेली के लिए 242 है, फैजाबाद के लिए 87 वैकेंसीज है, अलीगढ़ के लिए 153 वैकेंसीज है। उसके बाद झांसी में देख सकते हो 92 वैकेंसी निकली है, इलाहाबाद में 103 है, गोरखपुर में 310 है, देवीपाटन में 196 है, इटावा में 185 है, कानपुर में 199 है, चित्रकूट धाम में 104 वैकेंसीज है। उसके बाद आगरा में देख सकते हो 93 वैकेंसीज है, नोएडा में 342 है, गाजियाबाद में 464 वैकेंसीज है। दोस्तों यहाँ पर आपको सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सभी के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज मिल रही है। दिनांक भी देख सकते हो, लास्ट डेट सभी के लिए 30/10 दी हुई है और स्टार्टिंग डेट सभी के लिए अलग अलग दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट पास और निम्न में अनिवार्यता कोई एक अर्हता रखने वाला अभ्यर्थी इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर आवेदन शुल्क भी देख सकते हो। सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 100 रुपये है। उसके बाद यहाँ पर आप जॉब लोकेशन देख सकते हो, यूपी में है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12 दी हुई है, 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। उसके बाद मेरिट पर यहाँ पर इसमें सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेज पर पहुंचने के बाद आप नोटिफिकेशन की टैब पर क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।